नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 10 प्रखंडों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजे भी आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है, और उसी बदलाव के लहर का असर सिसवन प्रखंड पर भी पड़ा हुआ है। तो अभी हम मौजूद हैं बखरी पंचायत में, और यहाँ के जो सरपंच के भावी प्रत्याशी हैं रोहित रंजन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे तो जो सरपंच का पद होता है एक गरिमा का पद होता है, एक न्याय का पद होता है, और यह किसी मेवा मलाई का पद है नहीं जैसे मुखिया और BDC का पद होता है। तो इस पद पे एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को बिलोंग करते हैं रोहित जी, इसीलिए यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी कहाँ तक कर चुके हैं और कौन से मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रोहित जी स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। तो चुनाव काफ़ी नज़दीक है, कहाँ तक तैयारी कंप्लीट हो चुका है? देखिए, तैयारी तो हम लोग बहुत पहले से हैं, जब हमारे परिवार से कोई सरपंच नहीं थे तब से भी हम लोग गरीब के लिए सभा में हैं, गरीब के लिए आवाज़ बन के बोलते हैं। और सरपंच का जहाँ तक पावर है उसमें किसी प्रकार का फंडिंग नहीं है, वो एक न्यायपालिका का पद है, उसमें जो गरीब आदमी वंचित रह जाते हैं, मान लीजिए उनके साथ कुछ पंचायत को लेकर विवाद हो जाता है, ज़मीन को लेकर विवाद हो जाता है, उसमें सरपंच का रोल जो है बहुत अहम है। तो एक चीज़ देखा जाता है रोहित जी कि ये जो सरपंच के जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति होते हैं वो एक ईमानदार कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर उनके अंदर किसी तरह का लोभ लालच होता तो सरपंच के चुनाव नहीं लड़कर कि तो मुखिया का चुनाव लड़ते, नहीं तो BDC का चुनाव लड़ते। लेकिन कहीं ना कहीं उनका रियल जो भाव होता है वो सेवा भाव होता है, इसलिए वो सरपंच का पद पे ही जाना पसंद करते हैं। तो हालांकि पंच परमेश्वर होता है, ये कहानी आप भी सुने होंगे, पंच में ईश्वर का विद्यमान होते हैं। तो क्या लग रहा है कि जनता एक योग्य और युवा को सरपंच में मौका देगी? देखिए, जनता से खासकर बखरी पंचायत की जनता से मेरा ये अपील है, अनुरोध है कि जो लोग पहले सरपंच रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए हैं, पर पंचायती करने भी गए हैं तो न्याय के साथ नहीं किए हैं, हो सकता है कहीं दबाव पड़ा है, बड़े लोग का दबाव पड़ गया है, या फिर बरियार जो घर से स्थिति में जो बरियार है उनके तरफ से पंचायती की गई है, उसी को लेकर मैं इस बार बकरी पंचायत से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। और विगत आज से 20 साल पहले हमारे ही परिवार में 40 साल लगातार सरपंच ही रही थी, और यहाँ के जनता जो है, बकरी पंचायत की जो जनता है, वो लोग इस बारे में हमको बोले कि आपका जो परिवार था, पूर्वज जो आपके थे, बहुत अच्छे इस तरह की पंचायती कर पाते थे, इसलिए आप इस बार पंचायत चुनाव में लड़िए। तो लगभग 3 गांव के जनता की अपील पे मैं इस बार सरपंच चुनाव में लड़ा हूँ। तो ये चीज़ है कि बिहार सरकार द्वारा ग्राम कचहरी का निर्माण भी कराया जा रहा है पंचायत में, तो क्या आपके भी पंचायत में अगर जनता मौका आपको देती है, चुनाव जिताती है, सरपंच आप बनते हैं, तो ग्राम कचहरी का निर्माण होगा? निश्चित तौर पे होगा, अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है, अपने भाई चाहे भतीजा चाहे जो भी हम लगे गार्जियन जो है बकरी पंचायत की, अगर आशीर्वाद देती है तो मैं निश्चित तौर पे ये काम करने का प्रयास करूँगा और यहाँ के पंचायत के जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करूँगा। तो एक और चीज़ होती है कि जो कोई भी समस्या हो उसका समाधान करने योग्य सरपंच होना चाहिए, जो पंचायत के अंदर जो समस्या का समाधान कर दे। हालांकि जो मर्डर वाला केस हो गया, चाहे जमीनी मामला हो गया, उसके लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन एक लिमिट होता है सरपंच का कि 10,000 तक के मुकदमा की सुनवाई वो पंचायत के अंदर वो कर सकते हैं। तो क्या अभी तक आपके पंचायत में ऐसा समस्या का समाधान अंदर हुआ है, पंचायत के अंदर हुआ है? अभी तक तो जो भी पहले सरपंच रहे हैं उनके द्वारा इस तरह की कोई प्रक्रिया चाहे कुछ प्रकार का देखने को नहीं मिला है पंचायत में, लेकिन मैं इस बार अगर जनता आशीर्वाद देती है तो प्रयास करूंगा कि अगर छोट मोट कोई भी बात भी होता है भाई पटदार कर लेकर, जमीन को लेकर, तो उसको सहूलियत से, भाईचारा से मिटाया जाए। ये नहीं कि आप गए पंचायती करने तो किसी के पक्ष में कर दिए, ऐसा कुछ इरादा भी नहीं है, और खासकर नौजवान लोग हमारे साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि बकरी पंचायत में जब भी पंचायती वगैरह की बात आए तो बहुत ही कागजी जो कार्रवाई होती है, खतियान में जो जमीन होता है जितना हक होना चाहिए उतना ही हक दिलाएं, इसी चीज़ के लिए बकरी पंचायत की जनता हमको इस बार सरपंच चुनाव में खड़ी की है। तो रोहित जी, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो आपका चुनाव चिन्ह है उसको लेकर जनता से आप क्या अपील करते हैं, क्योंकि 24 नवंबर बहुत नज़दीक है? देखिए, अपील यही करेंगे कि इस बार चुनाव चिन्ह जो है हमारा चौका बेलन चुनाव चिन्ह है, जो हर एक घर में जिसपे रोटी बनता है, तो महिलाओं के लिए भी बहुत आसान है। और दूसरी बात यह है कि
मैं अपील करूंगा बखरी पंचायत की तमाम जो गार्जियन हैं, भगवान तुल्य जो जनता हैं, कि इस बार एक बार हमको मौका दें और इस पे मैं खड़ा उतरने का मतलब प्रयास करूंगा। और इस तरह का जो भी प्रॉब्लम आता है पंचायत में कि किसी का फसल नुकसान हो गया, किसी का जो मवेशी है चारा खा जाती है और उसमें उस तरह का विवाद होता है, तो उसको सहूलियत से भाईचारे से मिटाने की प्रयास करूँगा। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं रोहित रंजन यादव, हालांकि इनके परिवार में 40 वर्षों तक सरपंच का पद रहा है और उसके गरिमा को ये भी समझते हैं, सरपंच का पद एक गरिमा का पद है, उसको कहीं ना कहीं निर्वहन इनके परिवार वालों ने अच्छा से किया था, तभी 40 वर्षों तक इस पंचायत के सरपंच के पद पर विराजमान थे और उन्हीं के बनाए हुए नक्शे कदम पे रोहित रंजन भी चल रहे हैं। और इन्हें भी पूरा विश्वास है बखरी पंचायत की जनता पे कि बखरी पंचायत की जनता एक योग्य और ईमानदार प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य और कीमती वोट देकर सरपंच चुनेगी, क्योंकि जो सरपंच का पद होता है वो न्याय का पद होता है, पंचायत के अंदर की समस्या का समाधान पंचायत के अंदर ही करने योग्य प्रत्याशी होना चाहिए, तभी जाकर कोई मामला यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उन सारे चीज़ों को बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं रोहित रंजन जी, इसीलिए इनका साफ का नाम है कि आप एक बार हमको अवश्य मौका दीजिए और मैं आपके विश्वास के धागे को कभी टूटने नहीं दूंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर, इस पंचायत का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और काउंटिंग के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि बकरी पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।